ज़्यादातर वुमेन एंड चिल्ड्रन आर देर, सो वी थॉट इट्स बेटर टू अप्रोच देम विथ ए परसुएसिव अप्रोच सो फार, एंड वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग देम एंड वी आर होपफुल. इनके जो लीडर्स हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में दिल्ली पुलिस ने बातचीत की है अभी तक, और कुछ डेलीगेशंस को लेके हायर लेवल पे भी मिलवाया गया है, और उम्मीद है कि इनको भी ग्रेजुअली दे विल रियलाइज दैट इनकन्वीनियंस लोगों को हो रहा है, तो उम्मीद है ये दे विल लिसन टू द अपील्स ऑफ द दिल्ली पुलिस एंड क्लियर इट ऑफ. शाहीन बाग में जो कुछ प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, इनके साथ पिछले कई हफ्तों से दिल्ली पुलिस इनसे बातचीत कर रही है. इनको लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोटेस्ट वहाँ से हटा दें, वो मेन रोड से, तो इट इज़ बेटर. तो उसको चूँकि ये थोड़ा सा काफ़ी दिन परसिस्ट किया, तो उसके बाद हमारे पुलिस के तरफ से भी वहाँ पे इंतज़ाम लगाया गया था, बैरिकेड वगैरह लगाया गया था, और पुलिस के अरेंजमेंट वगैरह भी रखी गई थी वहीं पे. तो जैसे कोई ऐसे इंसिडेंट करने वाला कोई वहाँ दिखाई दिया, कम पुलिस डिप्लॉयमेंट की वजह से ही डिड नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग मोर, तो कुछ अटेम्प्ट करके भागने की चक्कर में थे, तो पुलिस वाले अलर्ट थे, तो उन्होंने उसको वहीं पकड़ा है. और ये मैं कहूँगा कि ये एक दो इंसिडेंट हुए ज़रूर हैं, बट दे आर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, एंड वी हैव मेड एलाबोरेट अरेंजमेंट्स नॉट ओनली एट द शाहीन बाग साइट. एंड ये इंसिडेंट होने के बाद हमने थोड़ा सा और स्टेप अप किया है विजिल वहीं पे, एंड बाकी जो तमाम प्रोटेस्ट साइट्स हैं वहाँ पर भी विजिल हैज़ बीन स्टेप्ड अप. एंड बैरिकेड के साथ साथ वहीं पे ये हिदायत दी गई कि जो कोई शकी हालत में अगर कोई घूमते हुआ दिखाई दे तो उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग भी करेंगे पुलिस वाले. तो आइंदा हम इसको और सख्ती से निपटाएंगे.